वहीं दो पद पर बने रहने के मुद्दे पर भी कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस संगठन में उठ रहे सवालों के बीच कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी पद पर रहने का इच्छुक नहीं हूं। 2018 में भी मैं अध्यक्ष बनने का इच्छुक नहीं था, मैं तो दिल्ली में ही संतुष्ट था, अध्यक्ष बनने पर यहां आया। तो दो पद पर बने रहने के मुद्दे पर कमलनाथ ने बयान दिया है। लगातार सवाल उठ रहे थे कांग्रेस संगठन में, जिसके बाद उन्होंने ये बात कही, कहा कि मैं किसी पद पर रहने का इच्छुक नहीं हूं, मैं तो दिल्ली में ही संतुष्ट था, अध्यक्ष बनने पर यहां आया। मैं तो किसी भी पद पर रहने को इच्छुक नहीं हूं, मैंने तो अप्लाई नहीं किया था ना किसी पद के लिए, तो जैसा फैसला होगा ठीक है सर। मैं तो ना तो 2018 पहली मई 2018 में अध्यक्ष बना था, मैंने तो नहीं कहा था मुझे बना दो, मैं तो बड़ा संतुष्ट था दिल्ली में। पर 1 मई 2018 से जब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, मैं तो 2 साल से नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष भी हूँ, आज से नहीं, ये 1 महीने की बात नहीं है, 2 साल से हूँ। तो बता दें कि कांग्रेस संगठन में उठ रहे सवालों के बीच कमलनाथ ने अब ये बात कही है। दो पद पर बने रहने के मुद्दे पर लगातार सियासी सरगर्मियां तेज थीं और इस पर अब कमलनाथ ने अपना बयान भी जारी कर दिया है। उनका कहना है कि 2018 में भी मैं अध्यक्ष बनने का इच्छुक नहीं था, अध्यक्ष बनाया गया इसलिए मैं आया, वरना मैं दिल्ली में ही संतुष्ट था। देखिए मैं तो किसी भी पद पर रहने को इच्छुक नहीं हूं, मैंने तो अप्लाई नहीं किया था ना किसी पद के लिए, तो जैसा फैसला होगा ठीक है सर। मैं तो ना तो 2018 पहली मई 2018 में अध्यक्ष बना था, मैंने तो नहीं कहा था मुझे बना दो, मैं तो बड़ा संतुष्ट था दिल्ली में। पर 1 मई 2018 से जब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, मैं तो 2 साल से नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष भी हूँ, आज से नहीं, ये 1 महीने की बात नहीं है, 2 साल से हूँ। तो बता दें कि कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि मैं तो दिल्ली में ही संतुष्ट था, अध्यक्ष बनने पर यहां आया हूं। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पदों पर बने रहने के सवाल पर अब कमलनाथ ने अपना बयान दिया है। उनका कहना है मैं कभी भी पद पर रहने का इच्छुक नहीं था, 2018 में भी अध्यक्ष बनने का इच्छुक मैं नहीं था, मुझे बुलाया गया इसलिए मैं यहां आया हूं, मैं दिल्ली में ही संतुष्ट था। देखिए स्वांगी, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से, यानी कह सकते हैं पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश कांग्रेस में बदलाव को लेकर जो नेताओं के सुर उठ रहे थे, कोई कह रहा था नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष का पद एक होना चाहिए, एक व्यक्ति को एक पद मिलना चाहिए, कई व्यक्ति जो है वो उस पद के कह सकते हैं कि वेटिंग में है, वो चाहते हैं कि कुछ समय, हमने पहले सुना था डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी कहा था कि कौन नहीं बनना चाहेगा नेता प्रतिपक्ष। कल अजय सिंह राहुल जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी कहा था कि यदि सक्रिय होना है तो कुछ पद दिला दीजिए, हम सक्रिय हो जाएंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रणु यादव की बात करें तो वो भी दिल्ली मिलने गए थे, वो भी लंबे समय से हाशिए पे हैं, कहीं ना कहीं पद नहीं है तो वो भी सक्रिय नहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कमलनाथ ने इस तरीके से बयान दिया है कि मैं किसी पद का इच्छुक नहीं था, 1 मई 2018 को मुझे दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भोपाल भेजा, मुख्यमंत्री रहा, नेता प्रतिपक्ष हूँ और प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ऐसे में जो पार्टी का फैसला होगा वो ठीक रहेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश उन नाराज नेताओं को है या जो पद की इच्छा रखते हैं उनके लिए है कि यदि आप योग्य होंगे, आप पार्टी के लिए उपयुक्त होंगे तो कहीं ना कहीं पद खुद आपको मिलेगा। ऐसे में एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि उन असंतुष्ट नेताओं को जरूर कमलनाथ ने अप्रत्यक्ष रूप से दिया है कि यदि आप योग्य होंगे तो पार्टी जो फैसला करेगी वो ठीक फैसला करेगी। क्योंकि पिछले लंबे समय से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं, खासतौर से अरुण यादव की बात करें, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की बात करें, डॉक्टर गोविंद सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष यदि बनाते हैं तो क्यों नहीं बनना चाहेंगे, उमंग सिंगार वो भी कई बार इस तरीके से बयान दे चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश उन नेताओं के लिए है कि पार्टी ने जो तय किया है वो ठीक है और मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो पार्टी का फैसला है, मैं किसी पद के लिए नहीं हूँ, ना मैंने किसी से कोई पद मांगा है। तो अब देखना ये होगा कि बाकी जो नेताओं के जो सुर हैं वो अब आगे किस तरीके से नज़र आते हैं, क्योंकि लगातार अभी हमने यही देख रहे थे कि तमाम जो नेता हैं, खासतौर से 3 नेता, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रणु यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पद नहीं है तो काम नहीं कर रहे, सक्रिय नहीं थे। तो अब देखना ये होगा कि अब 2023 में विधानसभा चुनाव को कुछ ही समय बचा है, कह सकते हैं 2 साल से भी कम समय बचा है, ऐसे में नेताओं की सक्रियता कितनी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है कि जिस तरीके से यदि आप योग्य रहेंगे, कमलनाथ का स्पष्ट निर्देश भी हो गया है कि यदि आप योग्य रहेंगे तो आपको पद खुद दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी जो फैसला करती है वो ठीक फैसला करती है।
तो आप देख रहे होगा कि इन दोनों नेताओं की या बाकी जो नेता हैं। बिल्कुल सूरज, और जिस तरह से अजय सिंह और अरुण यादव हालाकमान से मिलने पहुंचे थे उसके बाद सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि क्या पद वापस लिया जा सकता है कमलनाथ से। दो पदों पर वो लगातार बने हुए थे, लेकिन अब कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है और ये साफ कह दिया है कि उनको पद पर रहने के वो इच्छुक नहीं है। इससे पहले भी उनको पद पर रहने की कोई इच्छा नहीं थी। जैसा जो भी कुछ फैसला लिया जाएगा आलाकमान द्वारा वो उनको मंजूर होगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।